हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज का वीडियो किस बारे में है वो तो आप लोगों को पता ही है, तो वो है इस बारे में। तो बेसिकली मैंने एक नया ट्राइपॉड लिया है जो कि फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर दिया था और जिसका डिलीवरी जस्ट आज सुबह ही मुझे इसका डिलीवरी आया है। सो मैंने सोचा कि आप लोगों को शेयर किया जाए मेरा ट्राइपॉड कैसा है, कितने में पड़ा है, मतलब कौन सा कंपनी का है और इसके क्या क्या फंक्शन है आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साइड में रख देते हैं। इसके अंदर ट्राइपॉड। हाँ, तो ये जो ट्राइपॉड है, ये ट्राइपॉड का जो कंपनी का नाम है उसका नाम है उजेन। ओके, तो ये चाइना की कंपनी है जो कि बॉक्स में ऐसे लिखा हुआ होगा मेरा। तो ट्राइपॉड 3110 मेड इन चाइना, ठीक है। तो ये उजेन जो मेरी कंपनी है, ये चाइना की कंपनी है। तो मुझे ये फ्लिपकार्ट में बहुत ज़्यादा कम में मिला है। इसका प्राइस मुझे पड़ा है 285 में और इसका हाइट है, मैक्सिमम हाइट है 41 इंचेज आई थी। ओके, मैंने इसको लिया और मैं बजट में भी आ रहा था तो मैंने इसको ले लिया। तो देखता हूँ कि कैसा दिया है। तो ये रहा वो जो फोन लगाने के लिए, ये वाला क्लिप लिए। और इसके अंदर है ट्राइपॉड। तो ये रहा वो ट्राइपॉड। ओके, सो ये रहा वो ट्राइपॉड। सो एक बात, ये जो चीज है, ओके, ये जो चीज है मैंने देखा है बहुत सारे जन का ये चीज़ ना लग के आता है और ट्राइपॉड के साथ लगा हुआ आता है। तो ये जो मुझे मिला है खोल के, मतलब एक दिनों तो मुझे खोल के दिया है। तो इसको कैसे यहाँ पे फिक्स किया जाता है मैं आप लोगों को वो भी बताऊँगा। टेंशन की कोई बात नहीं है। तो आइए ट्राइपॉड के सारे फंक्शन देखते हैं, ये ट्राइपॉड के क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहले ये जो है ट्राइपॉड के, ये जो देख रहे हो ना, ये ट्राइपॉड के लेग्स बोलते हैं। इसको आप जैसे ही खोलोगे, तो भाई इसको आप जैसे ही खोलोगे ये सब लेग्स खुल जाएगा। तो तीन क्लिप है। ओके, तो खोलोगे तो इसका लेग्स खुल जाएगा। तो लेग्स खुलने के बाद ये जो क्लिप है ना, इसको ऐसे लगा देना। ओके, ऐसे लगा देना ताकि ये ट्राइपॉड टाइट रहे। ओके, ताकि वरना ये ट्राइपॉड हिलेगा। बाकी सब कभी कर देते हैं। तो ये रहा ट्राइपॉड जो कि स्टैंड हो गया है। अब ये वाला जो नॉब देख रहे हो ना, ये वाला नॉब देख रहे हो, इसको अगर हल्का सा लूज करोगे, ओके, तो ये देखो, ये आपको खुल जाए। ओके, तो देखिए ये आपको खुल जाए। ओके, तो ये खुल गया। तो इससे क्या होगा, आपको ट्राइपॉड का 1 इंच और बढ़ जाएगा। ओके, तो खोलने के बाद इसको टाइट कर देना। ओके, को टाइट कर दिया, अब ये हिलेगा नहीं। ओके, अब ये रहा ट्राइपॉड। ओके, अब ये जो ट्राइपॉड है, ये ट्राइपॉड 360 डिग्री रोटेट कर सकती है। मैं दिखाता हूँ कैसे। ये जो क्लिप देख रहे हो ना, ये वाला जो नॉब देख रहे हो, इसको अगर आप हल्का सा लूज करोगे, ओके, तो देखो ये ट्राइपॉड का पूरा हिलेगा 360 डिग्री। ओके, ओके, और अब अगर इसको जब टाइट कर दोगे तो और ये नहीं हिलेगा। ओके, तो और ये नहीं हिलेगा। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो हैंडल है ना, इसको जब आप हल्का सा लूज करोगे, ओके, घुमाओगे ना, तो आपका ट्राइपॉड देखो ऐसे करके वो रोटेट ऐसे मूव होगा। ओके, और जब आप इसको टाइट कर दोगे तो ये मूव नहीं होगा। ओके, अब ये, अब सबसे दिक्कत ये आता है कि ये जो पार्ट है इसको कैसे लगाया जाता है यहाँ पे। ओके, तो इस ट्राइपॉड में कैसे लगाया जाता है ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है सबका। तो इसका ये बहुत इजी है, कोई टेंशन का बात नहीं है। ओके, सो अगर ये आपका खोल के आया है तो इसको लगाने का प्रोसेस बहुत ईजी है, और अगर ये आपका लग गया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये खोल के आते इसको लगाने का प्रोसेस मैं भी आपको बताता हूँ। ये वाला नॉब देख रहे हो ना, ये वाला नॉब को हल्का सा लूज करो,
लूज करने के बाद देखो ये वाला पार्ट नहीं है, ये वाला पार्ट तो खुल जाएगा। ओके खुल गया, ओके देखो खुल गया, खुल गया, ओके खुल गया। अब तो इसके अंदर देखो एक और नॉब होगा, ठीक है, ये तो एक नॉब है, ठीक है। अब देखो ऊपर में देखो स्क्रू जैसा निकला हुआ रहेगा, ओके। और तो ये जो, ये जो कैमरा लगाने के लिए वो होता है ना, ये वाला पार्ट, ये रजिस्टर, इसमें तो एक ब्लैक कलर का नॉब है, देखो ब्लैक नॉब है, ये वाला ब्लैक नॉब है, ओके। यहाँ पे यार ये वाला तो उसको स्क्रू के अंदर, देखो स्क्रू के अंदर घुसा दो, घुसा के टाइट कर दो, ओके। बैठा नहीं ठीक से, ओके करके टाइट कर दो। टाइट करने के बाद अपना शेप में ला के इससे टाइट कर दो ताकि ये हिलेगा नहीं, ओके हो गया। अब देखो ये हो जाने के बाद ये वाला नॉब है ना, ये हैंडल का ऊपर वाला नॉब, हैंडल का जस्ट ऊपर वाला नॉब, इसको लूज करके अब इसको लगा दो, अब फिर इसको टाइट कर दो। देखो अब देखो ये रहा ट्राइपॉड फाइनल में, तो ये लग गया, ये लग गया, ओके ये लग गया। अब अगर आपको ट्राइपॉड को ऊपर इसको घुमाना है तो ये नॉब से घुमाओगे, ये वाला नॉब है इसको यूज करोगे तो 360 डिग्री घूमेगा, ओके। तो ये रहा पूरा ट्राइपॉड। अगर आप लोग इसको खोलना है तो प्रोसेस वाइज सेम है, ये सब नॉब को धीरे यूज करोगे तो ये खुल जाएगा। फिर इस नॉब से, ये जो नॉब है हल्का से इसको लूज करोगे, ये वाले नॉब पे इसको लूज करोगे, ओके। लूज करने के बाद इसको घुमाओगे तो ये खुल के फिर आ जाएगा। फिर जब आ जाने के बाद फिर जो ये वाला जो नॉब है ना, ये वाला नॉब को हल्का से लूज करोगे, इसको बंद करके फिर नॉब को टाइट कर दो, ओके। ये वाला जो नॉब है ये मैं आप लोगों को डिसमेंटल करना सिखा रहा हूँ, मतलब जैसे उसको जैसे था वो वैसे अगर करना है तो मैं आप लोगों को वो सिखा रहा हूँ। सो फिर अगर ये वाला नॉब है अगर इसको फिर अगर लूज करोगे तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला देखो घुस जाएगा, ओके। फिर ये वाला नॉब को टाइट कर दो, ये वाला नॉब को फिर टाइट कर दो, ओके। अब ये सब को अगर लगाना है, ये सब जो क्लिप है ना, क्लिप को खोलोगे, क्लिप को खोलोगे और देखो लगा दो, लगाने के बाद क्लिप बंद। गाइस सबसे बड़ा दिक्कत जो आता था इसको लगाने में, ये वाला पार्ट है यहाँ पे लगाने में दिक्कत आता था, तो आई थिंक मैंने वो आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि इसको कैसे लगाया जाता है और कितना इजी है। अगर आप लोगों को फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, तो मैं आप लोगों को समझा दूंगा वहाँ पे, ओके। और एंड आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर मेरा वीडियो से अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्प मिलता है तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।